आज हम बनाने वाले हैं होली पे बनने वाला 3 तरह के पकौड़े। ऐसे तो बहुत तरह के बनते हैं, मगर हम अभी 3 तरह के पकौड़े बनाए हैं जो बहुत ही टेस्टी बनता है और बिल्कुल कम मेहनत में, सिर्फ 1 कप चावल से बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो होली के त्योहार पर आप ज़रूर बनाइएगा इस तरह से। और लगभग बहुत सारा पकवान बनता है, उनमें से ये 3 है तो बनता ही बनता है, सबके घर में जरूर बनता है ये। आप लोग क्या बनाते हैं कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए कितना क्रिस्पी और कुरकुरा है। तो हम यहाँ पर हरा चना का भी बनाएंगे, बैंगन का बनाएंगे और आलू का बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम ले लेंगे 1 कप चावल, हम जो भिगो कर रखे थे, ये 3 से 4 घंटा फुला हुआ है। इसमें डालेंगे 3-4 हरी मिर्च और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे चावल को। ये मोटा वाला अड़वा चावल है जिससे इडली डोसा बनता है। तो इसे हम आधा एक बाउल में ढाल लेंगे और आधा थोड़ा सा 4 चम्मच के लगभग इसमें बेसन मिलाएंगे। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, जीरा गुल की पाउडर और थोड़ा सा बारीक काटा हुआ धनिया डालेंगे। और बाकी हम हरा मिर्च और मसाला आलू चॉप में डालेंगे, इसीलिए इसमें ज़्यादा हम नहीं डाले हैं। तो यहाँ पर एक बैंगन भी हम काट लेंगे। तो आलू चॉप और बैंगन दोनों ही एक बैटर से ही बन जाएगा, उसी घोल से बनेगा जो हम तैयार करेंगे। और जो हरा चना है उसे हम अलग बनाएंगे। तो देखिए इस तरह पतले पतले स्लाइस में, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, मीडियम साइज का हम एक बैंगन काट लिए हैं। बहुत सारा बन जाता है एक बैंगन से, अगर बैंगन का साइज बड़ा हो तो। ना ज़्यादा मोटा बैंगन लेना है ना ज़्यादा लंबा वाला बैंगन लेंगे हम। और यहाँ पर आलू लिए हैं बॉयल किया हुआ, इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये ठंडा आलू है। फिर डालेंगे हम इसमें अदरक, बारीक काटा हुआ अदरक, हरा मिर्चा और बारीक काटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू चॉप में। यहाँ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम और इन सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो हाथों से इस तरह मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए इसे अब हम गोल गोल टिक्की का शेप दे देंगे। इस तरह आलू चॉप जैसे बनता है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो पहले हम सारे आलू को इस तरह तैयार करके रख लेंगे। तो इस तरह देखिए हाथों से दबा दबा कर रख लिए हैं। अब इसको घोल को तैयार कर लेंगे हम। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि चावल का आटा बहुत गाढ़ा था। आप अपने अकॉर्डिंग पीसने समय कितना पानी डालते हैं देख लीजिएगा। उसके बाद इसे ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा घोल तैयार करना है। बहुत गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगता है और एकदम पतला भी नहीं। और यहाँ देखिए हम हरा चना ले लिए हैं। तो अभी इस मौसम में हरा चना होली में ज़रूर बनता है सबके यहाँ। अगर आपके यहाँ नहीं मिलता है तो आप इसे काला चना से भी बना सकते हैं। प्रोसेस सारा यही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें बारीक काटा हुआ प्याज, बारीक काटा हुआ हरा मिर्च, बारीक काटा हुआ अदरक, अब बारीक काटा हुआ धनिया, सब हम बारीक काटा हुआ लेंगे। इसमें कोई पेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए कितने अच्छे से बारीक बारीक काटे हैं हम। अदरक को भी इतना अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इस तरह बनाइएगा तो। तो अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जीरा का पाउडर डालेंगे, जीरा गोल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। और ये जो बाकी जो आधा पेस्ट बचा हुआ था चावल का पिसा हुआ, उससे भी हम इसमें ऐड करेंगे। और ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा सा हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं। और इसमें हम बेसन नहीं डालेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी बनता है।
आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए इस तरह थोड़ा लिक्विडी फॉर्म पर रहेगा, तो तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। तब पहले हम ये आलू चॉप डाल रहे हैं, तो एक एक जो तैयार करके रखे थे टिक्की उसे हम घोल में डिप करेंगे, डालेंगे और इधर तेल में फ्राई करेंगे। एक एक उठाकर डालेंगे और डीप कर कर तेल में छोड़ेंगे इसे हम। तो जितना कढ़ाई में जगह है, जितना तेल है उतना हम डालेंगे इसे। तो देखिए इस तरह से, आप चाहें तो इसे सिर्फ बेसन के घोल में भी बना सकते हैं, पर इस तरह से चावल का घोल डालने से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और कुरकुरा बनता है और इसमें कम तेल लगता है, ज़्यादा तेल तेल नहीं लगता है खाने समय भी, और ज़्यादा देर तक क्रिस्पी और कुरकुरा बना रहता है तो खाने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठंडा हो जाने के बाद भी ये कुरकुरा ही रहेगा, तो आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसे हम उलट पलट कर अच्छी तरह गोल्डन फ्राई कर लेंगे कलर आने तक। तो बहुत ही जल्दी बन जाता है क्योंकि ये अंदर से बॉयल किया हुआ आलू है। पलट देने के बाद इसका गैस का फ्लेम हम थोड़ा मीडियम कर देंगे। तो देखिए अब अच्छा कलर आ गया है, अब इसे निकाल लेंगे हम प्लेट में। तो सारे आलू चॉप को हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम डालेंगे चना का, देखिए चना को भी हम इसी तरह हाथों से फैला फैला कर डालेंगे। ये चम्मच से नहीं डालिएगा, अगर चम्मच से डालेंगे तो एक जगह ही मोटा रह जाएगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा। इसे थोड़ा पतला रखना है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रिस्पी और कुरकुरा रहता है। तो जब भी बनाए इसे हाथों से डालें। तो देखिए थोड़ा पतला है, चम्मच से एक जगह मोटा रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो इस तरह उलट पुलट कर फ्राई करेंगे और पलट देने के बाद अब गैस का फ्लेम फिर से हम मीडियम कर देंगे और इसे अच्छा कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में जब हम डालेंगे तब गैस का फ्लेम थोड़ा तेज रखेंगे और पलटने के बाद इसे कम कर देंगे ताकि ये अच्छा से कुरकुरा हो जाए। तो देखिए इसका अच्छा कलर आ चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा बनता है ये। आप इसे हरा चना नहीं मिलता है, आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप काले चने से भी बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा। इसमें कोई अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालिएगा, अगर इस तरह बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए अब हम बैंगन को भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो बैंगन को भी इसी तरह डीप करेंगे, एक एक स्लाइस उठाएंगे और घोल में डीप करेंगे और तेल में छोड़ते जाएंगे इस तरह से। तो देखिए एक बैंगन से कितना सारा बन जाता है और इसे भी हम पलट लेंगे, बहुत आसानी से पलट जाता है ये देखिए, और तेल चिपचिपा भी नहीं लगेगा ज़्यादा। तो इस तरह आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और आप इस होली के त्यौहार पे क्या क्या बनाने वाले हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्या बनता है आपके यहाँ। हमारे यहाँ तो बहुत कुछ बनता है, अभी एक एक करके वीडियो आएगा।
तो जो बाकी जो बचे हुए हैं, देखिए सिर्फ एक बैंगन का हम बना रहे हैं, तो सारे बैंगन फिर जो बचा हुआ है उसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको तोड़ करके, तो ऊपर से एकदम क्रिस्पी कुरकुरा और अंदर से एकदम सॉफ्ट। यहाँ आलू चॉप भी है और यहाँ ये चना का पकौड़ी भी है, बहुत ही अच्छा लगता है चना का, तो आप इस तरह ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितना कुरकुरा बना है ये, अभी ये गर्म है, ठंडा होने के बाद भी इसी तरह क्रिस्पी और कुरकुरा बना रहता है, सिर्फ एक कप चावल से बहुत सारा बन जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे आलू चॉप भी कितना अच्छा बना है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसका अंदर का मसाला और फ्लेवर बहुत